स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व कर लिए थे और आज हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, एक बात आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहले नंबर से एक्सरसाइज 2.4 की। देखिये यहाँ पर क्या है, आपकी अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। व्हाट इज द नंबर? वेरी इजी है। देखिए ये प्रॉब्लम फॉर्म में है बोल के ऐसा लग रहा आपको, लेकिन आप जैसे जैसे जो डाटा दिया हुआ है आप अगर वैसे फिलअप करते चले गए, पुट करते चले गए, तो ऑटोमेटिक आपकी आंसर निकल जाती है। ऐसे वाले जो नंबर है थोड़े समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी आपके जब करने लगेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगी। तो देखिये सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, अमीना थिंग्स ऑफ ए नंबर। अमीना ने एक नंबर सोची थी और उस नंबर से वो 5/2 सब्ट्रैक्ट की, उसके बाद जो रिजल्ट निकला उसमें वो मल्टीप्लाई की 8। अब जो रिजल्ट हुआ नाउ ऑब्टेंड इज 3 टाइम्स सेम नंबर सी थॉट ऑफ। अब जो रिजल्ट निकल के आया वो जो है ओरिजिनल नंबर से 3 टाइम्स है। तो देखते हैं हम ये कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले थिंग्स ऑफ ए नंबर, अमीना जो नंबर सोची थी हम ले लेते हैं कि उसे एक्स अननोन क्वांटिटी को हम ऐसे भी एक्स लेते हैं, तो लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। लेट द नंबर बी एक्स। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या देखते हैं यहाँ पर, अमीना ने जो नंबर सोची थी उससे वो क्या की है, सब्ट्रैक्ट 5/2। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 5/2, मतलब वो जो नंबर सोची थी अमीना उससे हम 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिए। उसके बाद सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, तो हमारा जो नंबर निकल के आया एक्स माइनस 5/2, उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि उसके बाद वो मल्टीप्लाई की है 8, मल्टीप्लाई कर देते 8 से। द रिजल्ट इज नाउ ऑब्टेंड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। जो नंबर वो सोची थी, कौन सी नंबर सोची थी, एक्स, उसकी 3 टाइम्स हो गई अब जो रिजल्टेंट नंबर निकली। तो मैंने क्या किया, 3 टाइम्स ऑफ एक्स मतलब कि 3x। अब ये हमारे क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसे सॉल्व करते हैं, एक्स इंटू 8x माइनस, देखिए 5/2 × 8, मैंने 5/2 × 8 कर लिया, इक्वल टू 3x एज इट इज, हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये 8x यहाँ पर 5/2 × 8, मैं इसे लोएस्ट टर्म में कर सकता हूँ, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। ये कट के थोड़ा क्या छोटा हो गया, अगर ऐसे छोटे हो जाते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने में सुविधा होता है, इसलिए आप क्या करेंगे पहले इसे लोएस्ट टर्म में कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले बड़े नंबर बना लेते हैं उसके बाद उसे वो लोएस्ट टर्म में करते हैं, तो आप ऐसा मत कीजिएगा, आप वहीं पर उसे लोएस्ट टर्म में कर दीजिएगा। अच्छा, 8x हो गया। अब माइनस 5 × 4 = 20 इक्वल टू 3x एज इट इज है। अच्छा, हम क्या करेंगे, हमारे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, अननोन क्वांटिटी को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो ये 8x है, यहाँ पर 3x RHS साइड में थी, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो क्या होगा, माइनस 3x, ठीक है, इक्वल टू ये माइनस 20 थी, RHS साइड में जाएगी तो प्लस 20। उसके बाद देखिए 5x - 3x हम करते हैं, तो 8x - 3x हमारा आंसर निकल के आया क्या, 5x। 5x इक्वल टू ये 20 एज इट इज, तो x इज इक्वल टू ये 20 थी, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था, हम इसे राइट साइड में लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 20/5। अब हम इसे लोएस्ट टर्म में करते हैं, 5 × 1 = 5, 4 = मतलब कि x इक्वल टू हमारा निकल के आया 4। तो हमें क्या निकालना था, व्हाट इज द नंबर, यहाँ पर तो सॉल्व करना ही नहीं है, व्हाट इज द नंबर, हमने उस नंबर को माना था x, तो हमारा डायरेक्ट x निकल गया, मतलब कि हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज x, ये हमारा आंसर है, मतलब अमीना जो नंबर सोची थी वो नंबर है x। आप इसे क्या इसमें पुट करके आप चेक भी कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर है
ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर्स। देखिए ऐसे पढ़ने में आपको लग रहा है कि बहुत क्रिटिकल है, लेकिन एक एक स्टेप ऐसे ऐसे वाले नंबर को हमेशा आप क्या करेंगे, स्टेप वाइज सॉल्व करते जाएंगे। स्टेप वाइज जैसे जैसे डेटा है इस तरह से आप लिखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, आपके आराम से आंसर निकल जाएगी। एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। देखिए डेटा के अनुसार ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, मतलब एक नंबर है पॉजिटिव नंबर क्या वो दूसरे नंबर के 5 टाइम्स है। तो हम पहले नंबर को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी एक्स एंड 5x, क्योंकि एक नंबर दूसरे नंबर के क्या है 5 टाइम्स है। तो एक नंबर अगर x है तो दूसरे वाले नंबर क्या होगा उसके 5 टाइम्स, मतलब कि 5x। अच्छा उसके आगे वाले सेंटेंस देखते हैं, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर। अब हम आगे नहीं पढ़ेंगे, यहीं से हम देखेंगे कि 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर। अब हम 21 दोनों नंबर में ऐड करेंगे, उसके बाद आगे की क्वेश्चन हम देखेंगे। तो क्या है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन द फर्स्ट न्यू नंबर, ये तो हमारी पहले वाली नंबर थे जो हमने एज्यूम किया था एक्स और दूसरे वाली 5x, क्योंकि पहले वाले की दूसरे वाले क्या है 5 माने 5 टाइम्स है। तो जो न्यू नंबर आएगी हम दोनों में 21 ऐड करेंगे। यहाँ पर बोला 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, मतलब हम जो पहला नंबर था हमारे जो नया नंबर आया फर्स्ट न्यू नंबर, पहले वाले नंबर में हम एक्स में क्या करेंगे 21 प्लस कर देंगे, तो हमारा पहला न्यू नंबर आएगा। दूसरे वाले नंबर जो हमने 5x एज्यूम किया था उसमें भी हम 21 ऐड करेंगे, क्योंकि 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो सेकेंड न्यू नंबर जो हमारा होगी वो 5x प्लस 21, क्योंकि यहाँ पर पहले वाला नंबर में x में हम 21 ऐड किए, दूसरे नंबर में 5x में भी हम 21 ऐड किए। अब क्या होता है देखिए, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। अब जब रिजल्ट निकल के आया, जो न्यू नंबर, दो न्यू नंबर निकले, एक न्यू नंबर दूसरे वाले के डबल है, एक न्यू नंबर दूसरे वाले के डबल है। तो यहां बच्चों थोड़ी सी समझने वाली चीजें देखिए, x प्लस 21 या एक नंबर निकला और दूसरे वाला निकला 5x प्लस 21, तो इससे हमको पता चल रहा है कि बड़े वाले नंबर ये है, क्योंकि ये x प्लस 21 है, ये 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 21, मतलब कि ये वाली हमारी बड़ी नंबर है। तो हम क्या मान लेंगे, बड़ी वाली नंबर जो है छोटी वाली नंबर के डबल है, ये हम एज्यूम करेंगे। हम उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या आपको देखिए पॉजिटिव नंबर बोला, अगर हम उल्टा एज्यूम करेंगे ये वाले नंबर जो है छोटी और ये वाला नंबर अगर बड़ा एज्यूम कर लेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमें यहां पर पॉजिटिव नंबर बोला है, ऐसा नंबर निकलना चाहिए जो कि पॉजिटिव हो। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो बड़े वाले नंबर, देखिए 5x, ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये बड़े नंबर है, x प्लस 21, ये 5x प्लस 21, मतलब कि ये बड़ा वाला नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 5x प्लस 21 इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है 2 टाइम्स द अदर नंबर, इट इज डबल बोला है, ट्वाइस द अदर नंबर, मतलब ये वाला नंबर का डबल हो गया। अब हम क्या करते हैं, आगे इसमें सॉल्व करें तो क्या आएगा, यहां पर देखिए 5x प्लस 21 इक्वल टू, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो है वो मल्टीप्लाई होती है, 2 इंटू एक्स 2x प्लस, यहाँ प्लस के साइन देंगे, 2 इंटू 21 मतलब कि 42, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रोसेस, हम जितने भी वेरिएबल्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। 5x ये प्लस 2x था, लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो माइनस 2x इक्वल टू 42 एज इट इज था, प्लस 21 इसे राइट साइड लिए तो माइनस 21, मतलब कि 5x माइनस 2x इक्वल टू 3x इक्वल टू 42 माइनस 21, तो 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, मतलब कि 21 आ गया 3x की वैल्यू। x की वैल्यू अब निकालेंगे, x इक्वल टू 21, ये यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई था, आप इधर राइट साइड में लो तो डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई क्या 7। अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या सवाल क्या है, व्हाट आर द नंबर्स, ये नंबर्स क्या क्या है। तो हमने नंबर्स को क्या एज्यूम किया था, कि हमने नंबर को एज्यूम किया था एक को x एक को 5x। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए एक को x किए थे एक को 5x, मतलब कि सो द फर्स्ट नंबर इक्वल टू, हमारा जो x निकल के आया 7, सो द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x माना था हमने, तो x इक्वल टू 7, सो द सेकंड नंबर एंड द सेकंड नंबर हमने क्या माना था 5x, तो 5x इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू तो 7 है, 5 इंटू 7 35, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 7 एंड 35। हमारा जो नंबर पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर हमें निकालनी थी, वो एक x है और एक 5x है, तो हमारी वैल्यू निकल के आ गई 7 और 35।
तो इस तरह से हमारा नंबर टू भी सॉल्व हो गया बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं नंबर थ्री की तरफ। नंबर थ्री में क्या है देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज द टू नंबर्स। देखिए बच्चों ये डिजिट वाली थोड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन आप इसके कंसेप्ट को समझ जाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि टू डिजिट नंबर, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक टू डिजिट नंबर है 25, मतलब कि टू टेंस फाइव वंस, टू टेंस फाइव वन। अगर 27 बोलूं तो टू टेंस सेवन वंस होता है ना। तो इसी तरह से आपको लेना है यहाँ पर डिजिट को। तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है हम पहले यूनिट प्लेस और टेन प्लेस डिजिट को एज्यूम करते हैं। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, हम ले लेते हैं यूनिट डिजिट नंबर एक्स। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, मतलब सम मतलब दोनों डिजिट के, जैसे मैं यहाँ पर 25 बोला तो ये क्या होगा 2 प्लस 5, हमारे यहाँ पर सम क्या 7 है। मैं अगर 27 लेता हूँ तो 2 प्लस 7 हमारा सम ऑफ द डिजिट क्या होती है 9। लेकिन यहाँ पर क्या है सम ऑफ द डिजिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 9। तो हम पहले वाले यूनिट प्लस डिजिट को अगर x लेते हैं तो 10 डिजिट नंबर क्या हो जाएगी 9 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों डिजिट की जो सम है 9 है। तो एक अगर डिजिट x है तो दूसरे वाली 9 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा जो नंबर बन के आएगा हम क्या करेंगे, पहले ही बताया थे हम बच्चों आपको 25 का मतलब क्या होता है 2 टेंस 5 वंस। तो 10 प्लेस में जो डिजिट होती है उसे उसमें हम 10 इंटू करते हैं और 5 जो यूनिट प्लेस वाले डिजिट में हम 1 इंटू करते हैं। मतलब 10 प्लेस में 10 इंटू करना और 1 प्लेस में 1 इंटू करना। तो हमारा ओरिजिनल नंबर बन के क्या आएगा 10 प्लस डिजिट में, देखिए यहाँ पर 10 प्लस डिजिट में 9 माइनस एक्स था तो हमने क्या किया 9 माइनस एक्स में 10 इंटू किया। ये हमारा प्रोसेस है, जब भी नंबर हम फाइंड आउट करते हैं तो 10 प्लस की जो डिजिट होती है उसमें 10 इंटू करते हैं और प्लस में रखते हैं 1 प्लस की जो डिजिट होती है उसमें 1 इंटू करते हैं। यही हमारा टेक्निक और तरीका है, इसे ध्यान से याद रखिएगा बच्चों। तो क्या हुआ हमारी जो नंबर बन के आएगी वो 9 माइनस एक्स टेंस प्लेस में है तो हमने 10 इंटू किया और x जो है हमारा यूनिट प्लेस में है तो हमने 1 इंटू किया x में। ठीक है, दोनों को सम कर देंगे तो हमारा वो नंबर जो क्या ओरिजिनल नंबर बन के आ जाएगा। अच्छा अब इसे सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 9 90, माइनस का माइनस, 10 इंटू x 10x प्लस 1 इंटू x x इक्वल टू 90 माइनस 10x प्लस x। देखो 10x से प्लस x, माइनस 10x प्लस x मतलब माइनस 9x। तो ये ओरिजिनल नंबर आ गया हमारा 90 माइनस 9x। अब हम आगे बढ़ेंगे, इंटरचेंज भी करना है। फिर क्या हो रहा, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, आगे क्या अब हम नहीं पढ़ते हैं। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट मतलब कि हम इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, जो यूनिट प्लेस की डिजिट थी वो 10 प्लेस में हो जाएगी, जो 10 प्लेस की डिजिट थी वो यूनिट प्लेस में हो जाएगी। तो देखिए आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, यूनिट डिजिट में हमारा देखिए जो टेंस डिजिट वाले जो थे वो यूनिट डिजिट में हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि 9 माइनस एक्स यूनिट डिजिट हो जाएंगे और टेंस डिजिट जो थी जो यूनिट डिजिट की जो नंबर थे, देखिए यूनिट डिजिट नंबर एक्स ये हमारे टेंस डिजिट में आ जाएगी। तो हमारे टेंस डिजिट में क्या हो जाएगा एक्स, मतलब ये इंटरचेंज हो गया। अब जो नंबर बन के आएगा, जिस तरह से यहाँ पर हम ओरिजिनल नंबर लिखे थे इस तरह से हम क्या लिखेंगे अभी रिजल्टिंग नंबर लिखेंगे, जो इंटरचेंज करने के बाद वाला नंबर। तो रिजल्टिंग नंबर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए आपको पहले ही बताया था मैंने कि 10 प्लेस वाले डिजिट में 10 इंटू करना है, 1 प्लेस वाले डिजिट में 1 इंटू करना है। तो 10 प्लेस डिजिट हमारा एक्स है तो हम क्या किए 10 इंटू कर दिए एक्स में, प्लस यूनिट प्लेस वाले डिजिट में क्या है 9 माइनस एक्स जो यूनिट प्लेस है उसे हम 1 इंटू करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं 10x प्लस 9 माइनस एक्स मतलब कि 9 इंटू 1 9 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसके आगे हम देख लेते हैं 10x माइनस एक्स 9x हो गया प्लस 9, मतलब कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर था 90 माइनस 9x और हमारा इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया 9x प्लस 9। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उससे जो नया नंबर निकल के आया वो 27 ज्यादा है, उससे मोर है। मतलब हमारा जो नया नंबर देखिए रिजल्टिंग नंबर क्या आया है 9x प्लस 9, तो हमारा 9x प्लस 9 क्या है जो ओरिजिनल नंबर थी हमारी, देखिए ये ओरिजिनल नंबर क्या है 90 माइनस 9x,
तो ओरिजिनल नंबर से वो 27 ज्यादा है जो रिजल्टिंग नंबर। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर में अगर 27 ऐड कर दें तो हम ये इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। हमारे जो रिजल्टिंग नंबर है ओरिजिनल नंबर से 27 मोर था, तो हम 27 यहां मोर कर दिए तो ये हमारा इक्वेशन क्या सेम हो गया, इक्वल टू हो गया। अब आगे देखते हैं, यहां पर क्या देखिए 9x प्लस 9, माइनस प्लस 9 हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब क्या किया, ये देखिए ब्रैकेट खोलिए, 90 माइनस 9x प्लस 27 था, प्लस 27 लिख लिया। अब क्या किया, 9x हम क्या करते हैं जो वेरिएबल से उसे हम लेफ्ट साइड में लाते हैं ताकि हमें वेरिएबल की वैल्यू पता कर सके। तो 9x थी यहां पर, ये माइनस 9x मैं इधर लाया लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस 9x, ये 90 पहले से थी प्लस 27 पहले से यहां पर मौजूद है, ये प्लस 9 हमने राइट साइड लिया तो माइनस 9। अब देखिए 90 एज इट इज हम लिख लेंगे, प्लस 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 करें तो कितना होगा 18। अच्छा इसके बाद देखिए 9x प्लस 9x ये हमारे कितना आ गए 18x इक्वल टू, हम अगर 90 प्लस 18 करें 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 8 108, तो ये हमारा आ गया 18x इक्वल टू 108। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू क्या करेंगे 108 डिवाइडेड बाय 18 जो थी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई थी इधर डिवाइड कर देंगे। अब इसे कट करते हैं, डायरेक्ट आप 18 से भी कट कर सकते हो, 18 वन जा 18 सिक्स जा, या फिर आप इसे छोटे नंबर से भी कर सकते हो, ये 36 जा मैं कर सकता हूँ या 63 जा कर सकता हूँ, तो 63 जा भी करो तो भी होगा, ठीक है 63 जा क्या ये 63 जा 18, यहाँ पर 63 जा क्या आपकी 6 2 जा 6 1 जा 6 हो गया, और ये 448 है, ठीक है तो 66 जा आप 48 भी कर सकते हो, ठीक है इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6 1 जा 6 ओके। अच्छा उसके बाद क्या है, यहाँ पर 6 अगर ले तो 48 हो गया, तो मैंने यहाँ पर क्या किया 63 से किया था ना, 6 से मैं छोटा नंबर से किया था, तो 63 जा 18, 61 जा 6 और यहां पर बचा 4, ठीक है तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, यहां पर तो 48 हो गया, ठीक है तो 48 की 6 के टेबल में कहां पर आते हैं, तो हम लिख सकते हैं 68 जा 48, 6 जा 48, यहां पर हमारा 3 निकल के आया, तो 3 1 जा और 3 6 जा 18, तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी नंबर से, ये देखिए लास्ट में 8 है यहाँ पर भी 8 है, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 अगर यूनिट प्लेस में हो तो हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। सम ऑफ द डिजिट देखेंगे अगर 3 हो जाती है तो हम 3 से भी कर सकते हैं, ऐसे आप डिविनिटी टेस्ट में जानते हो, पर जितना हो सके आप अगर ग्रेटर नंबर से करोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है ग्रेटर नंबर से करेंगे तो आपका क्या एक बार में ही आंसर आ जाएगा, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो ये हमारा कितना निकल के आया 6। अच्छा हमने क्या मान के रखा था, एज्यूम क्या किया था, हमारे जो यूनिट प्लेस डिजिट है यूनिट प्लेस डिजिट x मान के रखा था, तो हमारा x की वैल्यू 6 जो आ गई यूनिट प्लेस की डिजिट निकल के आई, ठीक। उसके बाद क्या है, हमारा 10th प्लेस की डिजिट भी हमें निकालनी है, 10th प्लेस में हमने क्या माना था 9 माइनस x, तो हमने 10th प्लेस की डिजिट को क्या करते हैं 9 माइनस x ले लेते हैं, 9 माइनस x की वैल्यू तो हमारा 3 निकल चुकी है, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 3, मतलब कि ये 10th प्लेस में 3 यूनिट प्लेस में 6, मतलब हमारा जो नंबर आ गया 36, 3 10 6 1, मतलब कि हैंस द रिक्वायर्ड टू डिजिट नंबर, हमारा टू डिजिट नंबर निकालना था ना, टू डिजिट नंबर इज हमारे 10 प्लेस की डिजिट पहले लिखेंगे यूनिट प्लेस की डिजिट बाद में लिखेंगे, तो 10 प्लेस की डिजिट है 3 यूनिट प्लेस की डिजिट है 6, हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया 36। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सवाल है देखिए, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। देखिए बच्चों लग रहा है आपको, बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना ये दिखाई दे रहा, आप एक एक स्टेप सॉल्व करते जाइए आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, पूरे नंबर को पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले आप एक बार पढ़ लीजिए उसके बाद स्टेप वाइज आप आगे बढ़िए। क्या है, वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर, मतलब हमें ये पता चल गया कि ये जो नंबर है टू डिजिट वाली नंबर है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द ओरिजिनल नंबर, इन द ओरिजिनल नंबर यूनिट डिजिट क्या है हमारा एक्स है, सभी में हम ऐसे ही मानेंगे यूनिट डिजिट को हम एक्स मानेंगे। उसके बाद क्या हुआ,
टू डिजिट नंबर थ्री टाइम्स द अदर नंबर, तो एक डिजिट अगर यूनिट प्लेस की एक्स है तो टेन प्लेस की उसकी थ्री टाइम्स है, मतलब कि टेंस डिजिट वाले नंबर इस जो यूनिट वाले डिजिट के नंबर के थ्री टाइम्स है, मतलब ये एक्स है तो ये थ्री एक्स है। फिर ओरिजिनल नंबर हमने पहले आपको बताया था, यहाँ पर देखिए ओरिजिनल नंबर निकालने का जो तरीका है, हम टेन प्लेस वाले डिजिट में 10 इंटू करते हैं और 1 प्लस वाले डिजिट में 1 इंटू करते हैं। तो चलिए हम ऐसे करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो हमारे जो नंबर बन के आ गया, हमारा 10 प्लस के डिजिट क्या थी 3x, तो हमने 3x लिखा उसमें 10 इंटू किया, और यूनिट प्लेस वाले डिजिट थी x, हमने x में 1 इंटू किया। यही हमारा प्रोसेस होता है जो नंबर फाइंड करने का। तो 3x इंटू 10 मतलब कि 30x प्लस x इंटू 1x, 30x प्लस x 31x, ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। उसके बाद आगे फिर देखते हैं, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, मतलब कि पहले वाले नंबर जैसा है बच्चों इंटरचेंज करेंगे, मतलब कि जो 10 प्लेस वाले डिजिट है उसे हम यूनिट प्लेस में लेंगे, यूनिट प्लेस वाले डिजिट को 10 प्लेस में लेंगे। तो चलिए करते हैं, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, देखो यूनिट डिजिट में हमारा पहले यूनिट डिजिट में एक्स था और टेंस डिजिट में 3x था, तो अब जब इंटरचेंज कर देंगे तो टेंस वाले डिजिट जो 3x थी वो यूनिट डिजिट में आ जाएगी, और टेंस डिजिट में हमारा क्या आ जाएगा, जो यूनिट वाले डिजिट थी x वो आ जाएगी टेंस प्लेस के डिजिट में, इंटरचेंज हुआ। अब रिजल्टिंग नंबर, इस तरह से हम लोग रिजल्टिंग नंबर निकालेंगे, 10 प्लेस वाले डिजिट में हम 10 इंटू करेंगे, 1 प्लेस वाले डिजिट में हम 1 इंटू करेंगे। तो हमारे रिजल्टिंग नंबर क्या बन के आएगा बच्चों, देखिए हमारे जो 10 प्लेस वाले डिजिट थी x, तो मैंने x में 10 मल्टीप्लाई किया, यूनिट प्लेस वाले डिजिट थी 3x, तो 3x में मैंने 1 मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू x 10x, 3x इंटू 1 3x इक्वल टू 13x, 10x प्लस 3x 13x। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्या क्या है इसके बाद डाटा क्या है देखिए। तो यहाँ पर है क्या, ये जो इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, अभी जो ओरिजिनल नंबर निकल के आया था बच्चों और जो हमारे रिजल्टिंग नंबर, ये दोनों का अगर एड करें तो आपको निकल के आता है 88। तो चलिए दोनों ऐड करते हैं, हमारा देखिए यहाँ पर ओरिजिनल नंबर क्या था 31x, मैंने 31x लिया, रिजल्टिंग नंबर हमारा क्या आया 13x, मैंने 13x लिया, दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा वो 88 आ रहा है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर 31x प्लस 13x इक्वल टू 88। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 41x, ये 31x प्लस 13x 3 प्लस 1 ये 4, 3 प्लस 1 ये 4, 44x इक्वल टू 88, x इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय ये जो इनटू हुई थी 44, यहाँ पर अगर हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी। अब डायरेक्ट यहाँ पर देखो 44 वन जा 44 टू जा, आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो 11 फोर जा 11 एट जा, फिर उसे दोबारा करोगे, अब 2 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, 11 से भी कर सकते हो, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया 44 वन जा 44 टू जा। अच्छा हमारे देखिए x हमने क्या माना था, ओरिजिनल नंबर की यूनिट डिजिट में x माना था और टेंस डिजिट में 3x माना था, तो हमारा देखिए x की वैल्यू आ गई, मतलब कि हमारी x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई, ये हमारी यूनिट डिजिट आ गई, और हमें क्या करना था, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का हमें पहले यूनिट प्लस डिजिट निकालेंगे फिर 10 प्लस डिजिट निकालेंगे तभी जाके हमें ओरिजिनल नंबर मिलेगी। तो यूनिट प्लस में जो x थी, x की वैल्यू तो हमारा आ गया यहाँ पर 2। अच्छा 10 प्लस के डिजिट में हमने क्या मान रखा था 3x, तो हम लिखेंगे 3x इक्वल टू 3 इंटू x की वैल्यू तो 2 है, 2 पुट कर दिए, 3 इंटू 2 6, मतलब कि ये 10 प्लस के डिजिट आ गई 6, यूनिट प्लस के डिजिट आ गई 2। बच्चों एक चीज आप देखोगे, कभी भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो ओरिजिनल नंबर जब लिखते हैं तो 26 लिख देते हैं, 20 ये x की वैल्यू और ये 3x की वैल्यू, ऐसे लिखना नहीं है, पहले 10 प्लस की डिजिट, क्योंकि हम जब इंडियन सिस्टम में काउंट करते तो राइट साइड में हमारा यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, इस तरह से लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 10 प्लेस वाले डिजिट को लिखेंगे, उसके बाद यूनिट प्लेस वाले डिजिट को लिखेंगे, मतलब कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो 62 है। तो इस तरह से हमारा देखिए बच्चों नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम नंबर 5 की तरफ, नंबर 5 में देख लेते हैं क्या है हमारा सवाल। सुबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबोज प्रेजेंट एज, सुबोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। ये बहुत ही इजी सवाल है, एज वाली प्रॉब्लम हमने क्लास 7 में भी पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हम जो देखिए एक तरीका है यहाँ पर सॉल्व करने का बच्चों, कभी भी अगर इस तरह की एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो जो सबसे छोटे मेंबर हैं, जितने भी डाटा दिया हुआ है, जो छोटे मेंबर है उसे आप पहले एक्स लीजिएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सुबो है और सुबो के मदर है, मतलब दो ही मेंबर है, तो सुबो छोटे मेंबर है तो हम उसे मान लेते हैं एक्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुबो इक्वल टू एक्स ईयर, देन प्रेजेंट एज ऑफ हिज क्या सुबोज मदर, सुबोज की मदर की एज क्या है, सिक्स टाइम्स सुबोज प्रेजेंट एज। अगर सुबो की एज अगर एक्स है तो उसकी सिक्स टाइम्स उसकी मदर्स की एज है, मतलब ये अगर एक्स है तो ये सिक्स इंटू एक्स, सिक्स एक्स ईयर्स हो गए मदर की एज। उसके बाद क्या करना है, सुबोज एज फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ। अच्छा अब अभी से फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब कि बच्चों आफ्टर फाइव ईयर्स, फाइव ईयर्स के बाद, ठीक है। फाइव ईयर्स बिफोर अगर हो तो माइनस करते हैं, फाइव ईयर्स आफ्टर हो तो हम प्लस करते हैं, ठीक है, जो भी एज होता है। तो फाइव ईयर्स आफ्टर, देखिए आफ्टर फाइव ईयर्स सुबो की एज कितनी हो जाएगी, अगर अभी सुबो की एज एक्स है तो फाइव ईयर्स के बाद कितनी एज हो जाएगी, प्लस फाइव जोड़ देंगे। अभी अगर टेन है तो फाइव ईयर्स के बाद टेन प्लस फाइव फिफ्टीन ईयर्स हो जाएगी। अभी अगर सेवन है तो फाइव ईयर्स के बाद सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। तो अभी अगर एक्स है तो फाइव ईयर्स के बाद एक्स प्लस फाइव ईयर्स हो जाएगी। अब सवाल में आते हैं कि क्या है, सुबोज एज फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी वन थर्ड ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की जो प्रेजेंट एज है, मदर की प्रेजेंट एज हमने क्या मान रखा है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर्स सिक्स एक्स, मतलब इसकी वन थर्ड हो जाएगी फाइव ईयर्स के बाद जो सुबो की एज होगी। तो सुबो की एज, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सुबो की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स प्लस फाइव है, ये एज इक्वल हो जाएगी किसके साथ, सुबोज मदर की जो प्रेजेंट एज है सिक्स एक्स उसकी वन थर्ड, मतलब की वन थर्ड ऑफ सुबोज मदर्स प्रेजेंट एज मतलब सिक्स एक्स। तो वन बाय थ्री, ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, इनटू, तो वन बाय थ्री इनटू ये सिक्स है, इसको हम अगर छोटा करिए सिक्स है, देखिए लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं, थ्री वन जा थ्री टू जा। अब क्या करेंगे, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू टू इंटू वन, देखिए टू इंटू वन टू, एक्स जैसे था हमने कॉपी कर लिया यहाँ पर। अच्छा अब क्या करेंगे, जो फाइव है हम क्या बोले थे आपको कि जो वेरिएबल है उसे एक साइड में रखते हैं, तो यह टू एक्स प्लस इधर में वेरिएबल है, यह प्लस एक्स है राइट साइड गई तो माइनस एक्स, मतलब की ये फाइव की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, टू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू हमारी फाइव आ गई। अच्छा अब हमें सवाल क्या था यहाँ पर, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब कि सुबो की और सुबो की मदर की प्रेजेंट एज क्या है। हमने मान रखा था कि सुबो की एज एक्स है और उसकी मदर की प्रेजेंट एज जो है सिक्स एक्स है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम निकाल लेते हैं, तो क्या देखिए, नाउ प्रेजेंट एज ऑफ सुबो, प्रेजेंट एज ऑफ सुबो हमने क्या मान रखा था, एक्स मान रखा था, तो प्रेजेंट एज ऑफ सुबो हम एक्स ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा फाइव ईयर्स। अच्छा सुबो की मदर्स की हम एज क्या लिए थे, सिक्स एक्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम उसकी प्रेजेंट एज ऑफ क्या, सुबो की जो मदर है उसकी एज प्रेजेंट एज हमने सिक्स एक्स मान रखा था। अच्छा सिक्स इंटू एक्स की वैल्यू तो हमारा फाइव आ चुकी है, तो सिक्स फाइव जो थर्टी, थर्टी ईयर्स, मतलब कि सुबो की एज फाइव ईयर्स, सुबोज की मदर की एज जो है वो थर्टी ईयर्स। हमें पूछा क्या था यहाँ पर, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब की हैंड्स देयर प्रेजेंट एजेस आर फाइव ईयर्स एंड थर्टी ईयर्स, मतलब की सुबो की एज फाइव ईयर्स उसकी मदर की थर्टी ईयर्स, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम क्लास ये जो नंबर सिक्स को सॉल्व करते हैं, नंबर सिक्स में क्या देख लेते हैं, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन महुली विलेज, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4 एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत एट 75,000 टू फेंस द प्लॉट, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। देखो बच्चों क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग रहा है लेकिन इजी है। क्या करना है, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ हमें निकालनी है। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि एक स्कूल के लिए रिजर्व है मोहली विलेज में। मोहली विलेज में एक गांव है जहां पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि स्कूल के लिए वो रिजर्व है, लेकिन उसकी जो लेंथ और ब्रेथ हमें पता नहीं है, लेकिन उसकी रेशियो हमें दे रखी है। रेशियो क्या दे रखी है, 11:4 की रेशियो में, मतलब 11 अगर हमारा लेंथ है तो ब्रेथ हमारा 4 होगा। ये लेंथ और ब्रेथ की रेशियो दे रखी है। अब क्या करना है, उसे फेंसिंग करना। फेंसिंग का मतलब क्या है बच्चों, कि आउटर बाउंड्री। जब भी आपको फेंसिंग की बात करें या बाउंड्री की बात करें तो समझ जाना कि यहाँ पर आपको पेरीमीटर निकालने की बात
हो रही है। तो यहाँ पर क्या बोला है, एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत एट 75,000। अगर उसमें हम फेंसिंग करते हैं, टू फेंस द प्लॉट मतलब तार की जो बाउंड्री देते हैं, जाली देते हैं, उसे फेंसिंग कहते हैं बच्चों। तो अगर हम उसे बाउंड्री देंगे, तार की जो जाली देंगे वो फेंसिंग करेंगे, तो जो विलेज पंचायत को करने के लिए बोला गया है, तो विलेज पंचायत अगर उससे करते हैं तो क्या 75,000 कॉस्ट उसको लगता है और एक मीटर की खर्चा आती है हमारी 100 रुपीज। तो सबसे पहले हम जो तार, जो हमारी जो फेंसिंग है वो वायर है, कितनी वायर लगेगी वो पता करना है। तो कितनी वायर लगेगी मतलब आउटर बाउंड्री की लेंथ निकालनी है, आउटर बाउंड्री की लेंथ मतलब कि पेरीमीटर निकालनी है, ठीक है। तब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हमारे जो डाटा दिया हुआ है 11x और 4x, ये जो 11 और 4 हमारे लेंथ एंड ब्रेथ है, तो इसे हम मान लेते हैं 11 को क्या लेंथ और इसे ब्रेथ। तो हम क्या लिखेंगे, सो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 11 मीटर। हाँ, हम इसे क्या करेंगे, 11x मीटर करेंगे, 11x मीटर, क्योंकि हमारा ये ओरिजिनल लेंथ नहीं है बच्चों, ये हमारी रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ को हम 11x मीटर मान लेंगे और ब्रेथ को हम क्या करेंगे 4x मीटर मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पेरीमीटर निकालनी है हमें। सो द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इक्वल टू, पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होती है, 2 × लेंथ + ब्रेथ। तो हम कर देंगे यहाँ पर 2 × लेंथ + ब्रेथ इक्वल टू 2 × लेंथ की वैल्यू हमारी क्या है 11x, ब्रेथ की वैल्यू क्या है 4x। तो हम लेंथ और ब्रेथ की जगह में लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यूनिट हमारा मीटर है तो मीटर हम कॉमन ले लिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए 2 × 11x + 4x दोनों को एड करें तो क्या होगा 15x। अच्छा, अब 2 × 15x मतलब की 30x, तो 30x मीटर हमारी ये जो आउटर बाउंड्री की लेंथ निकल गई मतलब की पेरीमीटर निकल गई। तो हमें यही इतने ही लेंथ चाहिए उसे हम फेंसिंग करने के लिए, तार की जो जाली लगाएंगे हमारी टोटल लेंथ कितनी लगेगी 30x मीटर। लेकिन कॉस्ट यहां दे रखा कि 1 मीटर में हमारी खर्च हो रही है 100 रुपीज। तो इतने मीटर में हमारी कितने खर्च होगी, देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर प्लॉट इक्वल टू 100 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर हमारी टोटल कितने मीटर लग रही है यहाँ पर 30x मीटर, तो 30x मीटर लगेगी। तो 30x में क्या करेंगे, 1 मीटर के लिए 100 लग रहा, 30x के लिए इंटू 100 हो जाएगी, तो हमारी 3000x इतने रुपीज लगेगी पर टोटल हमारे क्या वो जो फेंसिंग करने के लिए हमारी इतनी रुपीस लगेगी। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्या फॉर्म में, रुपीस फॉर्म में, कि हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी वो 75,000 होगी। मतलब कि ये 75,000 यहाँ टोटल कॉस्ट, हमारा यहाँ भी टोटल कॉस्ट निकला है ये 3000x, मतलब कि ये दोनों इक्वल है। तो हम इसे इक्वल कर लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो कॉस्ट निकल के आया 3000x ये इक्वल हो जाएगी विलेज पंचायत को जो खर्च करना पड़ेगा 75,000, ये हमारी 75,000 यहाँ पर दी रखी है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, इक्वल कर लेते हैं इसे, 3000x = 75,000। तो x इक्वल टू ये वाली मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर हम डिवाइड में लेंगे। अच्छा, ये देखिए 3030 कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 = 25 मतलब कि 3 × 2 = 6, 1 left, 1 + 5 = 15, 3 × 5 = 15 मतलब कि हमारा 25 आ गया x की वैल्यू। अब x की वैल्यू अगर निकल गई है तो हमने क्या मान रखा था, यहाँ पर लेंथ हमने 11x मान रखा था, ब्रेथ हमने 4x मान रखा था। तो x की वैल्यू को हम पुट करेंगे और लेंथ और ब्रेथ निकालते हैं। सो लेंथ इज इक्वल टू 11x इक्वल टू 11 × x की वैल्यू क्या है 25 पुट कीजिए आप। तो इंटू करते हैं 25 × 1 = 25, 5 × 2 left, 25 × 1 = 25 + 2 = 27। तो हमारा जो लेंथ निकल के आता है वो 275 मीटर की आएगी और ब्रेथ जो होगा, ब्रेथ हमारा क्या था यहाँ पर देखिए 4x, हमने यहाँ पर मान रखा है 4x, ठीक है। तो ब्रेथ की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x = 4 × 25, एक्स की वैल्यू 25 डालेंगे, 25 × 4 = 100 मतलब कि हैंस द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट आर 275 मीटर एंड 100 मीटर मतलब कि हमारी लेंथ आ गई 275 मीटर और ब्रेथ आ गई हमारी 100 मीटर। ये हमारी लेंथ और ब्रेथ हो गए मतलब कि रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो डायमेंशन निकल के आ गए। तो बच्चों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट होता है। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने यहाँ 6 नंबर तक ही लिया और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो नंबर 7 ऑनवर्ड्स है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।